रवि तेजा। हाँ सकू भाई। तेरे लिए मांदेली रखी है, पार्सल कर देना, शाम को खाएंगे। मांदेली करी बनाना मेरे लिए। अरे मेरा उपवास है यार। चल काय भाव, काय चल रहा है? रवि मेरा पूरा मुंह काला हो गया रे। पहले से इतना काला था और कितना काला होगा रे। अरे मेरी अफगानी पापलेट चोरी हो गई। उसमें जीपीएस नहीं लगा था क्या? केस ठोक डाल। ऑलरेडी ठोक चुका हूँ। कड़ा कौन सा? झींगा पापलेट चोरी का। पप्पू उस केकड़े का शिंपला बनाएंगे। हाँ लेकिन कोई गवाही नहीं दे रहा। मैं देगा। इसको बोलते हैं मर्द का बच्चा। मेरी तरफ से झींगा पार्टी। अगर जीते तो। अगर हार गए तो केकड़ा पार्टी भी चलेगी। चड्डी और जाली वाले बनियान में फुलटू गुंडा लग रहा है। बस मुझे ऊपर कबड्डी खेल के देखा। तो मुझे बताओ तुमने क्या देखा? शर्म से लाल लाल हो रहा हूँ। बाद में शर्माना, पहले बताओ। चौथी क्लास से ही मैं सनी लियोनी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उसकी कोई भी पिक्चर मैं मोबाइल में नहीं, थिएटर जाकर देखता हूँ। ये देखिए लेट नाइट का आखिरी शो। तो तुम अकेले गए थे क्या? आप होते तो ऐसी फिल्में फैमिली को दिखाते। ऐसी फिल्में तो अकेले कोपचे में देखनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आगे बताओ। अंधेरे में मैंने देखा कि 150 किलो का आदमी पापलेट की कुनी लेकर भाग रहा था। सर क्या तुम उसे पहचान पाओगे? आंख बंद करके। मुलजिम को पेश किया जाए। हाँ कौन? ए ठोले, ये अनारकली कहाँ चली? यहाँ का फेमस भिखारी है। इस टुकड़े के लिए इतनी पुलिस क्यों? कमिश्नर साहब को देख रहे हो? ताड़ा थोड़ी चल रही, चल। उनका बीड़ी का बंडल चुरा लिया था। बीड़ी की वजह से बीड़ियाँ? कमिश्नर साहब पहले गुंडा थे। सर ये कौन? इन पर ही केस हुआ है। भाऊ केस वापस ले ले। उड़ता तीर लिया है, कहीं ना कहीं तो लगेगा। मैं तो गया। ज्यादा नहीं, बस 2 डंडे पड़ेंगे। बी पॉजिटिव। तेरे पॉजिटिव की तो सर ही इज वही। यकी बोलची, आंखें फाड़ के देखो। हम था बोलो ना। हम तुमको माछी चोर लगता है, बोल रहे। ये डरा रहा है हमका। पुलिस गिरी मत दिखाओ, तुम बिंदास बोलो। मच्छी मार्केट में कंबल ओढ़ कर आया था ये। गोल गोल घूमकर मछलियों का गोलमाल करके गोलम गोल हो गया। यही गोलू था। किसी और को देखा होगा रे बाबा। पूरे शहर में 150 किलो की एक ही बोरी है, यही है वो पापलेट चोर। तड़ी पार कर दीजिए इसे। हम काय को चुड़ाएगा? एक कॉल से समंदर का सारा मच्छी घोर आ जाएगा। फंसा भैसा दलदल में। फोन करके आर्मी से कहिए कि इसे बॉर्डर पर ले जाए। अरे हम काय को बॉर्डर पे जाएगा? परसों रात को क्या खाया? मच्छी भात। मच्छी कौन सी? पापलेट। अंकल फंस गया पार्सल करावा। यस। आवेश में बह गया था सर। खरीद के लाया था माछी। उस दिन मछली ने जो मुर्गी खाई थी उसके पंख है और उसके पेट से निकली हुई मुर्गी की हड्डी। तुमने एनिमल राइट्स वालों को नाराज किया है। दफा 300 किडनैप, दफा 332 चोरी, दफा 3332 मर्डर। रवि तेजा चुप रहो। जज तुम नहीं मैं हूँ, मैं धाराएं लगाऊंगा। ओके महाराज, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इस पे हमारा उंगली का निशान की तरह बोलो। इस पे तेरे दांत के निशान है। जुर्म साबित होने की सूरत में कोर्ट प्रताप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाती है और आदेश देती है कि वो जिम ज्वाइन करें, अपनी तोंद घटाएं और फिर ड्यूटी ज्वाइन करें। खोलो रे, खोलना। ए मामा, बिना चिकन की बिरयानी खाएगा? कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, चलो। काय को बुलाया? मोटा डंडा लेके बैठे हैं। तू चले जा यार। बी पॉजिटिव। मैं कमिंग सर। बचपन में चोर पुलिस खेलता था ना, तब भी हम कभी चोर नहीं बना, लेकिन बुढ़ापे में माछी चोर का थापा लग गया, मिस्टी दोई हो गया इज्जत का। कुछ ले देकर मामला सुलटाओ ना सर। रिश्वत देगा हमको तू? आपको नहीं दूंगा, पान पट्टी पे रख दूंगा। एक कंप्लेन आया है, साइकिल काय को चुराया तुमने? काय को फंसा रहे हो साहब? मामो, एक खंबे के लिए तेरे साहब उस पर झूठा इल्जाम। इल्जाम नहीं, हम सच बोलता है। मैंने साइकिल नहीं चुराई। हाँ हमने भी यही बोला था रे, हमने मच्छी नहीं चुराया। बदलापुर केस खत्म करेगा, चल निकाल 25,000। 25,000? इतने में शादी धूमधाम से कर लूं तो कितना देने का औकात बोल। 50,000? अरे बोलो ना। 500 दूंगा। हाँ तो दे। शंबर ईएमआई में दे रहा क्या? दे उसको, उधर साइन मार।
अभी स्टार तो बनने दीजिए। तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं ले रहा है। अगर कोई भी साइकिल चोरी हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम होगा। साइन कर। ना करूँ तो? पांच साल अंदर। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, करता हूँ। आजकल तड़तड़ी अमीर बनने के लिए कोई कुछ भी करेगा। हाँ, हमारा बॉस चलेगा तो इनको जेल में डाल के इसको भी कहाँ पढ़ना आता होगा, डिजाइन बना देता हूँ। इस बार दौड़ का पूजा कितना भालो हुआ। बहुत भालो। तू कोटे से आया की सिफारिश से? ए, शाइन करता है कि हावड़ा ब्रिज बनाता है। यहाँ पर चोर लोग अंगूठा लगाता है, तू भी अंगूठा मार। गुड आइडिया। ये तो मंत्री लोग भी करते हैं। अंगूठा की पंचिंग मशीन है। अरे बाबा, फाइल में खोटा करेगा क्या? पास करो। चलो आप। ये ब्रेक डांस काय को करता है? हुजूर, मैं हाइट वेट में आपसे बड़ा, ओहदे में बड़ा, और घूसखोरी में तो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। ये पुलिस का कीड़ा किधर से घुसा? आपके अंदर से निकलकर मुझ में घुस गए। आपके बड़े पेट की बलाई ले लूं? उरी बाबा, एक नहीं दुई ठेलो। सर, आप मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। आप दोनों टाइम माछी भात जो खाता है। किसी जन्म में आपको मेरे ससुर बनने का योग प्राप्त हो, आयुष्मान हो। हम लड़की को कुएं में ढकेल देगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं करेगा। अरे दादा, ये क्या चुभ रहा है? पर स्लिम कैसे हो गया? है 5000 टाका किधर और गया? रिश्वत का पैसा नहीं टिकता। कॉफी लेंगे सर? नहीं चाहिए। जब तक तेजा से बदला नहीं लेगा, कॉफी नहीं पिएगा, चाय पिएगा। पिताजी, गुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। ए, उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये, तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, 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 ए। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बकरा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देख कर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है, आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है, मेरे बेटे को कोमा में पहुँचाने वाला मिल गया। ये लोग? अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी। कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ। बात ये है कि पिताजी, मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। मैं ही बता देता हूँ। अंकल सुनिए, इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके इट्स ओके। ओ, ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है। लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा मैंने, इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? क्यों रोका इन्हें? अंकल, इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो, बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा, तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साले ने नहीं चल चलती। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिलाकर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। पर हमला गंगाराम रेड्डी ने किया था, इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में तुम लोग क्या डींगे हाँक रहे थे हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं।
यारे ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो? भूखे शाबाश, रोको मत, उससे का पारा चढ़ने दो। आई वॉन्ट मोर पागलपन, कम ऑन, जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तलवार, लाठी या हथौड़ा जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो, कम ऑन, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। हमारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेडी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या वो लाल काला गेंडा है? पकड़ो उस साले को। क्या वो तुम्हारा साला तुम है? कौन हो? श्रीमंत नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन अरेस्ट? लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहार जेल वहीं पर है। ए, इन सबको लेकर चलो। मामा जी, कार्तिक भाजी तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या, किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनेगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेडी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा करूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप पेडी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे लेकिन दिल बहुत नरम है। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। चेहरे से मुजरिम नहीं लगते, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेडी रेड्डी की नहीं, ये मैं साबित कर दूंगा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी बात तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके तुम जीत गए, एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा। किधर है? कहाँ है? कौन है? किधर है? जय हिंद सर। शिवा तुम हो क्या? इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? तुमने उस लड़की को बचाया, मैंने तुम जैसा बहादुर आज तक नहीं देखा। मुझे पता चल गया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारी रगों में पुलिस का खून दौड़ रहा है। तुम्हारे दादा पुलिस में थे, तुम्हारे पिता पुलिस में थे, तुम्हारा पूरा परिवार पुलिस में नौकरी कर चुका है, इसलिए तुम दुश्मन के इलाके में शेर की तरह दहाड़ मार के आ गए। शाबाश, गले लग जाओ। हम सबको इस बहादुर ऑफिसर से कुछ सीखना चाहिए। मैं कब से इसकी तारीफ कर रहा हूँ? ये मैंने नहीं किया सर, ये किसी और ने किया है, ऐसे एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर आ रहे है ना। यही बात हमें इससे सीखनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत तुम पे फिट बैठती है। ये तलवार तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पकड़ो इसे। ये भी पकड़ लो। जानते हो ये दोनों तलवारें मुझे कहाँ से मिली? रद्दी की दुकान से मिली। बीच में तलवार नहीं अड़ाते। अगर मैंने अपनी, अपने परिवार की और इस तलवार की बात करनी शुरू कर दी तो रात हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें देख कर कंट्रोल नहीं होता है यार। अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। हे गाड़ी लेकर आओ रे इधर। कौन है ये लोग? सर साउंड पोल्यूशन केस है। लेकिन साउंड कहाँ है? ए, तुम लोग जानते हो आज हमारे ऑफिसर ने पुलिस का झुकावा सर ऊंचा कर दिया है। बजा दो, जोर जोर से बजा दो। ए, सुना नहीं कि आप किसका वेट कर रहे हो? सर कंट्रोल। ये तलवार बहुत लंबी है सर, अब भी रखिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें उससे बचाइए। उसे अरेस्ट कीजिए सर। किससे बचाइए? किसी वक्त अरेस्ट कीजिए। किसे अरेस्ट करूं? उसे है? उस कांस्टेबल को। अरे इसे नहीं, उसे। अरे कोई नाम भी होगा उसका? वो देखने में भोला है लेकिन किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। कोई टेररिस्ट है? उनसे भी खतरनाक है। उसे पकड़ के उम्र कैद दे दो। उम्र कैद नहीं, उसे फांसी देना। उसका इनकाउंटर कर दो सर। जल्दी कुछ करिए सर। मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत कर वरना मैं तुझे अंदर डलवा दूंगा, तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगा और तेरा तो इनकाउंटर कर दूंगा। अब बता कौन है वो? मेरा भतीजा है सर। मेरे जेठ का लड़का है। हमारा फ्रेंड है सर। हमारा भाई है सर। समझ गया, अब बता उसने किया क्या है। कि
क्यों काजल इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है? मुश्किल से पैसे वाला लड़का मिला इसलिए। मैं तुम्हारे दूल्हे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ऋतिक जैसा दिखता है क्या? बस उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। बहुत हैंडसम है क्या? हैंडसम तो होगा ही क्योंकि वो मेरा होने वाला पति है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी देख कर आऊँ उसे। तो जाके देख लो। क्या बात है काजल, जीजा जी तो बहुत ही डैशिंग है। बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे हैं, तू तो सेट है। मुझे ऐसा पति मिलता तो मैं मंडप से सीधे हनीमून के लिए जाती। शायद वो कोई और होगा, दूल्हा तो इस वक्त नीचे वाले कमरे में तैयार हो रहा है। जाओ वहाँ देख के आओ। प्यारे जीजू, उसके पैर तो देख, मेट्रो ट्रेन का पिलर लग रहा है। उसके माथे का टीका ऐसे लग रहा है जैसे कथे के सर पर सींग। एक भालू को शेरवानी पहनाएंगे तो वो भी इससे सुंदर लगेगा। दूल्हा नहीं, दूल्हे का दादा दिखता है। नजर ना लग जाए स्ट्रीट बॉय को। तैयार हो गए? बात बताओ, लोग बाहर क्या क्या बातें कर रहे हैं? कहो तो अफवाह फैला दूं कि आपकी तीसरी शादी है, पहले वाली इसलिए भागी क्योंकि आप बूढ़े हैं। मेरी मासूम त्वचा देखो, स्वीट 27 का नहीं लगता? मुझे तो लग रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा है कि शादी नहीं, शादी की 50वीं सालगिरह हो रही है। अरे यार, शादी के कार्ड पर लिखा है और बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? दादा दादा, शादी में और कितनी देर है, मुझे नींद आ रही है। अनपढ़ लोगों को तो इनवाइट नहीं कर लिया, बाहर स्पीकर पर मेरी एज अनाउंस करो। भैया आपको याद है जब आप पहली बार शादी करने गए थे तो आपके साथ में घोड़ी पर बैठा था और दुल्हन भाग गई थी। फिर जब आपने दूसरी शादी की कोशिश की तब मेरा बेटा आपके साथ घोड़ी पर बैठा था, वो दुल्हन भी भाग गई। अभी आपकी तीसरी कोशिश है, इस बार घोड़ी पर आपके साथ मेरा पोता बैठा था। भाई साहब, मुझे डर है कि इस बार भी दुल्हन भाग न जाए। ऐसी शुभ घड़ी में फ्लैशबैक का मनहूस कैसेट क्यों प्ले कर रहे हो? इसके मुंह में 2-3 लॉलीपॉप ठूंस दो, चुपचाप चूसता रहेगा। यहाँ दूल्हे की मम्मी कौन है? अरे वहाँ किचन में इतनी टेंशन चल रही है और आप यहाँ बातें कर रही हैं। जल्दी चलिए ना मम्मी जी। मेरी बीवी को मम्मी बोल के ले गया। मेरा भतीजा है, मेरी जेठ का लड़का है, हमारा फ्रेंड है, मेरा भाई है। मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। हैंडल विद केयर अंकल, ये सिर्फ एक दुल्हन नहीं है, तरुण जी के किंग साइज दिल की धड़कन है। कौन है ये सुपर हीरो जिसने मेरी डार्लिंग को बचा लिया? ओए माँ, मेरा भतीजा है, मेरे जेठ का लड़का है, हमारा फ्रेंड है, मेरा भाई है। ली जाएंगी। Excuse me, आप लड़की वालों की तरफ से है या फिर लड़के वालों की तरफ से, मैं नहीं जानता, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपकी तारीफ। मैं मेक अ विश का मेंबर हूँ। क्या पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक कैंसर पेशेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है? मैं नहीं मिलवाया, एक बच्चा सचिन के साथ एक ओवर खेलना चाहता था, मैंने खिलवा दिया। मेरे पास ऐसी कोई विश नहीं है। क्यों, शादी करना आपकी विश नहीं है? आप जैसे अभागों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कंधों पर नहीं सिर पर ली जाती है। ये क्या पहन रखा है? शादी का टू पीस, अंदर मॉडर्न ड्रेस रखी है, उसमें दूल्हे लगोगे पूरे 21 साल के। भाई साहब, अरे मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। बंद रखो, ये पकड़ो, मैं अभी मॉडर्न दूल्हा बन के आ रहा हूं। चलो भाई, चलो, ये पकड़ो, उसे पहन कर मैं हैंडसम दिखूंगा। दुल्हन की फ्रेंड्स लट्टू हो जाएंगी। अब मैं लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनूंगा, देखकर दुल्हन बेहोश हो जाएगी। जल्दी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे यार, ड्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बाप रे, मुहूर्त का टाइम निकल गया। वरुण भाई, हाँ भाई साहब, मेरे कविश वाला आदमी बाहर से कुंडी लगाकर चला गया। पता है, उसने कहा लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनोगे तो दुल्हन देखती ही रह जाएगी। आपकी दुल्हन तो भाग गई। मुझे पोपट बना गया, कह रहा था कि लकी ड्रेस से लड़की बेहोश हो जाएगी, लड़की को ही भगा कर ले गया। ए, जल्दी पता करो उसका कोई रिश्तेदार है क्या यहाँ पर, उन सबको पुलिस स्टेशन की लेटेस्ट ड्रेस पहनाएंगे। सुन ली हमारी दास्तां, उसने परेशान कर रखा है, वो तो खून का रिश्ता है इसलिए निभाना पड़ता है सर। किसने कहा कि रिश्ता नहीं है? अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जानना चाहोगे कि वो दूल्हा कौन है? कौन है सर? रिश्ते में वो मेरा मामा लगता है। अब बता कहाँ है वो? अगर वो डॉक्टर होता तो हम उसे किसी हॉस्पिटल में जाके ढूंढ लेते। लॉयर होता तो कोर्ट में जाके ढूंढ लेते। लेकिन वो तो जॉबलेस, फियरलेस, सेंसलेस, केयरलेस, रेकलेस, रिडिकुलस, इन शॉर्ट में कहूँ तो टोटली यूजलेस है। आप खुद बताइए, ऐसे निकम्मे को कहाँ ढूंढे।